हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर अंगूठे वाली जुराब बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये जुराब कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जुराब देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है और पहनने में बहुत ही कम्फर्टेबल है। ये जुराब 6 और 7 नंबर पैर के लिए है। इसकी स्टार्टिंग यहाँ नीचे बॉटम से होती है और यहाँ पर इसका एंड होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है जिसमें ये 3 तार अलग अलग होती हैं और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। जुराब बनाने के लिए ये देखिए, यहाँ पर सिलाई में मैंने 48 फंदे डाल लिए हैं। तो इस तरह से आप सिंगल धागे से इसमें फंदे डालिए, यहाँ पर डबल धागा आपने नहीं करना है और फंदे आपके इस तरह से हल्के से लूज होने चाहिए। 48 फंदे सिंगल धागे से डालने के बाद आप इसको उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए, धागा अपनी तरफ रखिए और इस तरह से उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर और दूसरी सिलाई पर, इसे भी हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो इसी तरह से उल्टी उल्टी सिलाइयां बुनते हुए हमें इसमें 18 सिलाइयां कंप्लीट करनी हैं। 18 सिलाइयों में देखिए इस तरह की हमारी ये 9 लाइनें आ जाएंगी, क्योंकि ये 2 सिलाइयों में हमारी 1 लाइन बनती है। तो अब मैं इसमें 18 सिलाइयां कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसमें मैंने ये 18 सिलाइयां कंप्लीट कर ली हैं। 18 सिलाइयों में हमारी ये 9 लाइनें आ गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो 48 फंदे से हमने इस तरह से 18 सिलाइयां कंप्लीट कर ली हैं। सेम ऐसे ही 48 फंदे डालकर हम 18 सिलाइयों का ये एक पार्ट और बुन लेंगे। तो हमें इस तरह से इसके ये 2 पार्ट कंप्लीट कर लेने हैं, 48 फंदे डाल के 18 सिलाइयां बुन लेनी हैं। ये देखिए, ये हमारे 2 पार्ट यहाँ बॉटम के तैयार हो गए हैं। अब हम देखिए इन दोनों को यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे और ये डिजाइन बनाएंगे। तो एक पार्ट को हम लेंगे और ये जो हमारे 48 फंदे हैं इसमें से हम 46 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे 48 यानी 48 फंदे थे इसमें से हमने 46 यानी 46 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब ये जो हमारे 2 फंदे हैं इनको हम बिना बुने ऐसे एक बार सिलाई पर ले लेंगे और इस सिलाई को हम उठा लेंगे। ये जो हमारे 48 फंदे हैं अब इनको लेंगे और ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हम इस सिलाई पर उतार लेंगे। तो अब देखिए, ये जो 48 हैं इसमें से 46 हमने बुन लिए, 2 ये बिना बुने हमने इस सिलाई पर कर लिए हैं। अब 2 इसमें से लेंगे, इन 4 फंदों को हम यहाँ पर एक साथ बना देंगे। यहाँ पर हमें 4 का 1 फंदा कर देना है। तो यहाँ का जॉइंट आपका देखिए अच्छे से हो गया है। जो आपका पीछे धागा है इसको आप खींच के और टाइट कर दीजिए और आगे जो आपके 46 फंदे बच गए इनको उल्टा बुनकर कंप्लीट कीजिए। फिर उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे और ये वाला जो धागा है इसे हम इस वाले के साथ बांध के हटा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुन लिया है और यहाँ से हमारा जो इस वाले पार्ट का एक धागा था उसको इसके साथ बांध के हमने बिल्कुल हटा दिया है। अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड से भी हम सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद उल्टी साइड पर हम अपना ये वाला कलर लगाएंगे और फिर एक सिलाई उल्टी साइड से और एक सिलाई सीधी साइड से हम उल्टी बुनेंगे। तो हमारा देखिए फिर यहाँ तक ये बन जाएगा। जब हम 2 सिलाइयां इस कलर की बनाएंगे तो इस तरह से हमारी ये 1 लाइन आ जाएगी। उसके बाद हमारा ये डिजाइन बनेगा। तो अब मैं ये 1 सिलाई जो हमारी सीधी साइड से है इसे तो मैं इसी कलर से बुन लूंगी और फिर उल्टी साइड पर कलर ज्वाइंट करके और 2 सिलाइयां उससे उल्टी उल्टी बुन के फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये इस कलर से दो सिलाइयाँ बना ली हैं। दो सिलाइयों में हमारी ये एक लाइन आ गई है। अब इसमें हम ये डिजाइन बनाएंगे। तो पहले जब हमने फंदे डाले थे तो 48 और 48 यानी हमारे दोनों के मिलाकर 96 यानी 96 फंदे बनते थे, लेकिन यहाँ जब हमने दोनों पार्ट को ज्वाइंट किया तो दो इस साइड से और दो इस साइड से लिए, चार का एक करने से तीन फंदे हमारे कम हो गए। तो अब सिलाई पर हमारे पास 93 यानी 93 फंदे हैं। तो अब हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, ये दो सिलाई एक कलर से बुनने के बाद हम फिर से अपना पहले वाला कलर लेंगे जो भी आपने लगाया हो, और यहाँ पर हम इस कलर से चार फंदे बुन लेंगे। देखिए, एक, दो, तीन और ये चार। अब एक फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे, इसको बनाएंगे नहीं, और फिर हम पांच फंदे उल्टे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। फिर से हम एक फंदा ऐसे स्लिप कर देंगे। ये जो हमने चार फंदे बनाए हैं स्टार्टिंग में, इनको छोड़ के एक फंदा स्लिप कीजिए, पांच फंदे बनाइए, फिर से एक फंदा स्लिप कीजिए और पांच फंदे उल्टे बुनिए। ऐसे करते हुए आपने ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर देनी है। तो ये देख लीजिए, दो, चार, एक, पांच फंदे हमने बनाए, एक को ऐसे स्लिप किया, फिर से पांच बनाएंगे और लास्ट में हमारे चार फंदे आएंगे। तो इस तरह से करते हुए मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में भी हमारे ये चार ही फंदे आ गए हैं। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड से भी हम फंदों को उल्टा बुनेंगे, लेकिन जो बनाए हुए हैं उनको बुनना है, जो स्लिप किए हुए हैं उनको फिर से स्लिप करते जाना है। तो ध्यान से देखिए, ये स्टार्टिंग के चार फंदे हैं, पहले हम इनको उल्टा बुनेंगे। एक, दो, तीन और ये चार। अब हम धागे को इस तरह से पीछे की तरफ कर देंगे और ये जो स्लिप किया हुआ फंदा है इसे हम स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये पांच फंदे उल्टे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। फिर से हम धागे को पीछे लेकर जाएंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर देंगे और धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और फिर से हम पांच फंदे बनाएंगे। ऐसे करते हुए आप इसकी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से भी हमने सिलाई को बना लिया है। तो इस कलर से भी अब हमारी दो सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। दो सिलाइयों में ये एक लाइन आ गई है। अब जैसे हमने ये वाली दो सिलाइयां बनाई हैं, सेम हम दो सिलाइयां और इसी कलर से बनाएंगे। और ये जो हमारा धागा है इसको हम साथ के साथ ऐसे ऊपर करते जाएंगे ताकि यहाँ से बड़े बड़े धागे ना हों। जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम उल्टा बुन देंगे, जो स्लिप किए हुए हैं उनको हम स्लिप करते जाएंगे। फिर सीधी साइड से भी ऐसे ही करना है, जो बनाए हुए फंदे हैं उनको उल्टा बुन देंगे, जो स्लिप किए हुए हैं उनको स्लिप करते हुए मैं ये दोनों सिलाइयां अब बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दो सिलाइयां इसमें और बना ली हैं। तो इस कलर की अब हमारी ये चार सिलाइयां यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब उल्टी साइड से हम अपना ये वाला कलर लेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। इसमें हमें कोई भी फंदा स्लिप नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन देना है। फिर सीधी साइड से भी हम सिलाई को उल्टा ही बुन देंगे। तो अब मैं ये दो सिलाइयां उल्टी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कलर से भी मैंने ये दो सिलाइयां अब बना ली हैं। अब जैसे हमने ये वाली चार सिलाइयां बनाई, अब सेम आगे हम ऐसे ही चार सिलाइयां इस कलर से बनाएंगे और फिर से इस कलर की दो सिलाइयां बनाएंगे। तो यहां से यहां तक ये वाली दो सिलाई छोड़कर चार और दो छह, ये छह सिलाइयां बनती हैं। यही सेम टू सेम छह सिलाइयां हम और बुनेंगे, उसके बाद इसमें हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल सेम बनाना है। एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ। हम अपना ये वाला कलर लेंगे, चार फंदे इस कलर से बुनेंगे। एक, दो, तीन और ये चार।
एक फंदे को अब हम स्लिप करेंगे, आगे हम पांच फंदे बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार पांच, फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे। दोनों तरफ से हमें बनाए हुए फंदों को उल्टा बुनना होगा और स्लिप किए हुए को फिर स्लिप करना होगा। अब ऐसे ही करते जाइए, पांच फंदे उल्टे बनाइए और एक फंदा स्लिप कीजिए। तो जैसे मैंने ये वाली छह सिलाइयां आपको बनाकर दिखाई है, चार इस कलर की और दो इस कलर की, मैं ये छह सिलाइयां आगे और बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको इसमें ये फंदे घटाना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये छह सिलाइयां कंप्लीट कर ली हैं, चार सिलाइयां इस कलर की बुनी हैं और दो सिलाई मैंने इस कलर से बनाई है। अब इसमें हम घटाई करना शुरू करेंगे, जिससे हमारी ये पंजे की यहाँ पर शेप बनती जाएगी। तो ध्यान से देखिए हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम एक सिलाई पर अपना ये जो डिजाइन है सेम तरीके से इसको बुनेंगे और सीधी साइड से हम इसमें घटाई करेंगे। तो स्टार्टिंग में यही हम चार फंदे इस कलर से बना लेंगे और फिर एक फंदे को ऐसे स्लिप कर देंगे, फिर हम पांच फंदे उल्टे बुनेंगे और एक फंदा हम स्लिप कर देंगे, फिर पांच फंदे बनाएंगे और एक फंदा हम स्लिप करेंगे। ऐसे करते हुए पहले तो हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कलर से हमने ये उल्टी साइड से सिलाई अपनी बुन ली है, डिजाइन हमारा सेट हो गया है। अब इसमें हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए एक दो तीन और ये चार, जो ये हमारा स्लिप किया हुआ चौथा फंदा है, यहाँ तक के फंदों को हम बनाएंगे। जो बनाए हुए हैं उसको उल्टा बुनना है, जो स्लिप किए हुए हैं उनको स्लिप करना है। तो ये देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे और बनाए हुए फंदों को बनाएंगे, धागा पीछे करके जो स्लिप किया हुआ है उसको हम स्लिप करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे चार फंदे स्लिप किए हुए हैं यहाँ तक हमने इसे बना लिया है। तो इसके बाद अब हम इसमें फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो इसमें यहाँ पर मेरे 23 फंदे होते हैं, तो 23 से 24 फंदे बुनने के बाद हम घटाई शुरू करेंगे। तो अब यहाँ तक के ये बुनने के बाद इस वाले पार्ट से हम फंदे घटाना शुरू करेंगे और लास्ट में देखिए एक दो तीन और ये चार, इससे पहले इस पार्ट तक हमें फंदे घटाने हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारे पाँच फंदे हैं बीच में, इसमें से हम एक फंदा बुनेंगे, फिर दो का हम एक फंदा कर देंगे। अब ये वाले दो फंदे भी हम बुन लेंगे, तो यानी पांच में से अब हमारे यहाँ पर चार फंदे बच गए हैं। फिर इस फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, पांच में से एक फंदा बनाया, दो का एक कर देंगे। अब ये जो दो बच गए इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये देख लीजिए, इसमें हमारे चार फंदे बच गए, फिर धागा पीछे, एक फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, पांच में से एक फंदे को बनाएंगे, दो का एक कर देंगे। अब इन दो फंदों को भी बुन लेंगे। तो यहाँ लास्ट तक ये देखिए, आप गिन लीजिए ऐसे एक दो तीन और ये चार, ये चौथा फंदा जो स्लिप किया हुआ है, इससे इधर के इस पार्ट तक हम ऐसे ही फंदे कम करते जाएंगे और आगे के फिर फंदों को हम ऐसे ही बिना घटाए बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं एक दो तीन और ये चार, ये जो चौथा फंदा हमारा स्लिप किया हुआ है, इससे आगे इन पार्ट में हमारे पांच पांच फंदे हैं और इससे इधर बीच में सभी पार्ट में चार चार फंदे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक दो तीन और ये चार फंदे स्लिप किए हुए हैं, इससे इधर पाँच पाँच हैं, फिर इसके आगे चार चार हैं। तो इस तरह से इसमें फंदे कम हुए हैं। अब उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई को, जो फंदे बनाए हुए हैं उनको बुनेंगे, जो स्लिप किया हुआ है उनको स्लिप करते जाएंगे और इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। फिर जब हम सीधी साइड पर आएंगे तो फिर से इसमें हमें फंदे कम करने हैं। तो अब इस सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। अब हम सीधी साइड पर फिर से फंदे कम करेंगे। तो देखिए एक दो तीन और ये चार, ये जो चार फंदे स्लिप किए हुए हैं, इससे इधर हम बनाए हुए फंदों को बुन लेंगे और स्लिप किए हुए को स्लिप कर लेंगे। जिसमें चार चार फंदे बचे हुए हैं, इसी में हमें फंदे कम करने हैं। तो मैं यहाँ तक के फंदों को बना लेती हूँ, आप भी ऐसे ही बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदों को हमने बुन लिया है।
एक दो तीन और ये चौथा फंदा हमने स्लिप कर दिया है। अब जिस पार्ट में हमारे चार फंदे हैं इसमें से हमें फंदे कम करने हैं। तो देखिए धागा अपनी तरफ लाएंगे, चार में से पहले एक फंदा बनाएंगे, फिर हम बीच में दो का एक कर देंगे, फिर एक फंदे को बना देंगे। तो अब हमारे इन पार्ट में तीन तीन फंदे बच जाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे, चार में से एक फंदे को बना देंगे, दो का एक कर देंगे, फिर एक फंदा बना देंगे, धागा पीछे, फंदे को स्लिप करेंगे। तो इनमें अब हमारे तीन तीन फंदे बचेंगे। जिन पार्ट में चार चार फंदे हैं यहाँ तक हमें ऐसे ही कम करने हैं। उसके आगे हमारे जो पांच पांच फंदे हैं यानी ये जो स्लिप किए हुए यहाँ तक चार फंदे बनेंगे, इसके आगे के फंदों को फिर हम ऐसे ही बुन देंगे। तो ऐसे आप सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक के पार्ट में हमारे तीन तीन फंदे हैं और एक दो तीन चार, ये स्लिप किए हुए जो चार हैं इनके बीच में आप देख सकते हो पांच पांच फंदे हैं और लास्ट के तो हमारे चार ही थे। अब इस कलर की हमारी यहाँ पर चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम फिर से अपना ये वाला कलर लेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। फिर सीधी साइड से भी हमने इस कलर में बुनते हुए कोई भी फंदा कम नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा बुन देना है। जब हम इस कलर की दो सिलाइयाँ बनाएंगे तो हमारी इस तरह से उल्टी उल्टी एक लाइन आ जाएगी। तो मैं ये दोनों सिलाइयाँ इस कलर से कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कलर की हमारी ये दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इस कलर से उल्टी साइड से, ये देखिए यहाँ तक जो हमारे चार फंदे ये स्लिप होते हैं इनके बीच में ये पांच पांच फंदे हैं, इनको हम पांच पांच बनाएंगे, ये चार हैं तो चार बनाएंगे, आगे हमारे तीन तीन हैं तो वो तीन तीन बनाएंगे। आपको इसकी पहचान ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको बनाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर हम चार फंदे बनाएंगे, ये देखिए एक दो तीन और ये चार। जब आप ऐसे करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस एक फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर पांच बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर एक दो तीन चार और ये पांच। फिर एक फंदा ये स्लिप करेंगे, ऐसे आप देख सकती हैं। अब देखिए हमारे एक दो और ये तीन फंदे स्लिप हुए हैं, अब हम पांच बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए इसके और इसके बीच में हमारे तीन फंदे हैं तो हम तीन बनाएंगे, एक दो और ये तीन। फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर तीन बनाएंगे। लास्ट में देखिए यहाँ पर आपको अलग से दिखेंगे, ये जितने फंदे दिख रहे हैं उसी हिसाब से इसमें लेते जाइए, स्लिप करने वाले को स्लिप कीजिए और लास्ट तक सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को बुनने के बाद सीधी साइड पर मैंने ये जो हमारे चार फंदे स्लिप होते हैं इसके बीच में जो फंदे बनाए हुए हैं उनको हमने बना लिया है और स्लिप किए हुए को स्लिप कर दिया। अब जिस पार्ट में हमारे तीन तीन फंदे हैं इनमें से ही हम फंदों को कम करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, एक फंदे को हम इस तरह से बनाएंगे और दो का एक फंदा यहाँ पर कर देंगे, फिर जो हमारा स्लिप किया हुआ है धागा पीछे करके इसको हम स्लिप कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, तीन में से एक फंदे को हम ऐसे बना देंगे और फिर दो का एक कर देंगे। तो इन पार्ट में अब हमारे दो दो फंदे बचते जा रहे हैं। तो ऐसे ही करते हुए आपने लास्ट तक सिलाई को कंप्लीट करना है। जहां पर तीन तीन फंदे हैं सिर्फ उन्हीं पार्ट में से घटाना है। जब आपके ये स्लिप करने के बाद पांच पांच आए तो उनको आप बुन लीजिए। फिर उल्टी साइड से जो फंदे बनाए हुए हैं उनको बनाइए और जो स्लिप किए हुए हैं उनको स्लिप करते जाइए और उसके बाद सीधी साइड पर फिर से हम फंदे घटाएंगे। तो मैं अब इन दोनों सिलाइयों को पूरा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी और उल्टी, ये मेरी दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और अब हम फिर से सीधी साइड पर आए हैं। तो इसमें हमें फिर से ये फंदे कम करने हैं।
तो जो स्लिप किए हुए हैं उनको तो हम स्लिप ही करेंगे, और जहाँ तक हमारे ये फंदे ज़्यादा हैं इनको हम ऐसे ही बुनेंगे। फिर जिस पार्ट में हमारे दो दो फंदे बचे हुए हैं इन सभी का हम दो का एक करते जाएंगे, स्लिप करने वाले को स्लिप कर देंगे और ऐसे करते हुए हम लास्ट तक सिलाई को बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सिलाई को कम्प्लीट कर लिया है। इन फंदों के बीच में हमारा एक एक ही फंदा बच गया है। अब फिर से हम अपना ये वाला कलर लेंगे, एक सिलाई उल्टी साइड से और एक सिलाई सीधी साइड से हम इसकी उल्टी उल्टी बना देंगे, तो ये हमारी यहाँ पर लास्ट वाली लाइन आ जाएगी। तो मैं ये दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद फिर से हमें इसमें फंदे कम करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कलर की हमारी दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने यहाँ से इस वाले धागे को बिल्कुल हटा दिया है और इस कलर से एक सिलाई उल्टी साइड से हम पूरी उल्टी बुन लेंगे, उसके बाद सीधी साइड से इसमें हमें फंदे कम करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टी साइड से सिलाई को बना लिया है। अब इसमें हम 22 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे और उसके बाद इसमें हम फंदे कम करेंगे। तो आप इसमें गिनकर 22 फंदे बना लीजिए, मैं भी ये 22 फंदे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 22 फंदे मैंने बना लिए हैं। एक तरीके से आप ऐसे कर सकती हैं, 1, 2, 3 और ये 4, जो हम 4 फंदे स्लिप कर रहे थे, इस वाले फंदे से जो चौथा फंदा हमारा स्लिप होता है इससे हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4, ये जो चौथा फंदा हमारा स्लिप होता है यहाँ तक हम दो का एक करेंगे। तो 22 फंदे बुनने के बाद देखिए, 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 कर देंगे, फिर से 2 का 1, 2 फंदे का 1 किया, फिर से हमने 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 किया। आपको फंदे की पहचान मिल जाएगी, जो आपका इधर से फंदा है ये हमने 2 का 1 किया। अब ये देखिएगा, 1, 2, 3 और ये चौथा, तो इस वाले फंदे के साथ इसका हम 2 का 1 कर देंगे, जो ये चौथा फंदा हमारा स्लिप होता है। और आगे हमारे जो फंदे ये 2 का 1 करने के बाद, अब हमारे आगे 21 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुन लेंगे, उल्टी साइड से सारी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे, फिर सीधी साइड पर हमें फंदे कम करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमने सिलाई को बना दिया है, अब आ गई है हम सीधी साइड पर। इसमें हमें यहाँ पर 48 फंदे रखने हैं, अभी भी हमारे पास यहाँ पर 52 यानी 52 फंदे हैं। तो पहले हम 22 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो इस तरह से आप गिन के 22 फंदे यानी 22 फंदों को बुन लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 22 यानी 22 फंदे बना लिए हैं। अब हम 4 बार 2 का 1 करेंगे। देखिए, 2 का 1 किया, ये हमने दूसरी बार 2 का 1 किया, ये हमने तीसरी बार 2 का 1 किया और ये चौथी बार हमने 2 का 1 किया। अब आगे हमारे ये 22 ही फंदे बच गए हैं, इनको आप उल्टा उल्टा बुनिए और फिर उल्टी साइड से भी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारी ये 2 लाइनें आ जाएंगी उल्टी साइड से सिलाई को बुनने के बाद। उसके बाद फिर हम 4 सिलाइयाँ और बुन लेंगे दोनों साइड से उल्टी उल्टी, क्योंकि हमारे पास 48 फंदे हैं। तो फिर हमारी देखिए 1, 2, 3 और ये 4 लाइनें हो जाएंगी। तो ये 4 लाइनें कंप्लीट होने के बाद फिर सीधी साइड से इन 48 फंदों को हम ना लूज और ना ही टाइट, नॉर्मल हाथ से बंद कर देंगे, तो ये हमारी 5वीं लाइन आ जाएगी। तो अब मैं आपको इसकी ये वाली सिलाई फिर उल्टी साइड से, तो 2 लाइनें हो जाएंगी, फिर 4 सिलाइयाँ और बुन के सभी फंदों को बंद कर दूंगी और फिर मैं आपको इसकी सिलाई करना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जुराब हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर इस कलर से हमारी ये टोटल 9 सिलाइयाँ बनाई गई हैं और 10वीं सिलाई सीधी साइड पर इन फंदों को मैंने बंद किया है। तो आप इसी तरह से इसे ऊपर से बंद कर दीजिए और ये जो आप फंदे यहाँ पर बंद करो तो ना ज़्यादा लूज और ना ही ज़्यादा टाइट, इस तरीके से आप इनको बंद कीजिए। अब हमें इस जुराब की सिलाई करनी है। तो ये देखिए,
हमारी जो जुराब हैं वो दोनों बिल्कुल एक जैसी बनेंगी। इस जुराब को आप लेफ्ट या राइट किसी भी पैर में पहन सकती हैं। तो सबसे पहले ये जो इसके दो पार्ट हैं उंगली और अंगूठे के लिए, इनकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो धागा है इसे थोड़ा सा बड़ा रखिएगा ताकि सिलाई के काम आ जाए। सुई में डाल लीजिए और फिर देखिए ऐसे फोल्ड कीजिएगा। यहाँ से इसको हम बारीक टांके लगाते हुए यहाँ तक सील देंगे। फिर ये जो इधर का पार्ट है इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ से सिलते हुए यहाँ तक इसकी सिलाई कर देंगे। तो ये दोनों पार्ट आपके सिल जाएंगे। उसके बाद आपका देखिए यहाँ तक का तो ये हो जाएगा, फिर बचेगा नीचे का तला। अगर आपके पास यहाँ पर आपने बड़ा सा धागा छोड़ा हो तो उसे सुई में डाल लीजिए और यहाँ से सिलते हुए फिर यहाँ नीचे तक सिलाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वहाँ पर धागा ना हो तो यहाँ से सिलते हुए और आप यहाँ तक इसकी सिलाई कंप्लीट कर दीजिए। तो मैं इसकी सिलाई कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा जुराब का पेयर बनके तैयार हो गया है। 6 और 7 नंबर की शूज जिसके पैर में आती हैं, चप्पल जिसके पैर में आती हैं, ये उसको आराम से आ जाएगी। और इसे बनाने में 65 से 70 ग्राम ऊन लगेगी, क्योंकि कई ऊन मोटी होती हैं कई पतली होती हैं। तो जो बारीक वाली ऊन है वो 60 से 65 ग्राम, जो थोड़ी सी मोटे वाली होती है वो 65 से 70 ग्राम ऊन इसमें लगेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।